Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Iqbal. I am your chemistry teacher. Today, my topic is difference between Rutherford and Bohr atomic theory. Rutherford or Bohr atomic theory difference. हमने पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक में दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक थ्योरी इन्हें स्टडी किया. अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ये हमारे पास रदरफोर्ड और ये बोहर. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन क्लासिकल. क्लासिकल थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ. क्लासिकल थ्योरी का मेन पॉसिबिलिटी एक ही है कि रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली. मसलन हम इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं उसमें हमने कहा था कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये मुसलसल एनर्जी रिलीज करेगा. बोहर एटॉमिक थ्योरी इट इज़ बेस्ड अपॉन द क्वांटम थ्योरी. इसका इंसार इसकी बुनियाद क्वांटम थ्योरी है. और क्वांटम थ्योरी क्या है? द लाइट radiations are emitted in the form of packets which are of specific energy. Radiations जो है या light जो है वो quantum की शक्ल में packets की energy packets की शक्ल में release होती है जिनकी अपनी specific energy. Rutherford atomic model में जो electron revolve कर रहे हैं उनके बाद के बारे में कोई बात नहीं की गई थी. इसलिए कहते हैं कि उसमें orbit का कोई concept नहीं है, orbit का कोई तस्वीर नहीं है. जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी में जो है ये वाज़ेह तौर पर बात हुई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट जिन्हें हम जो है वो शेल कहते हैं. एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पैदा करना चाहिए. व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म इट इज डिवाइडेड इनटू सेवन बेसिक कलर्स. The dispersion of white light into seven basic colors is termed as spectrum. If there is no gap between the colors, this is termed as continuous spectrum. तो जो Rutherford atomic concept है उसके मुताबिक जो है वो continuous spectrum produce होना चाहिए क्योंकि उसमें बात हुई है electron revolve around the nucleus और वो electron जो है वो मुसलसल revolve कर रहा है और उसकी वजह से मुसलसल energy release होनी चाहिए. जबकि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर ऑर्बिट इट एमिट आर एब्जॉर्ब एनर्जी. तो इस वजह से बोहर कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो स्पेक्ट्रम है इट शुड बी लाइन स्पेक्ट्रम. और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? द डिफरेंट कलर बैंड्स दे आर सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस. जो कलर्ड बैंड्स हैं उन्हें जो है वो डार्क लाइंस के जरिए अलग अलग होते हैं. इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. उसमें डिफेक्ट में हमने एक बात की थी इफ इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एज अ रिजल्ट द एटम शुड कोलैप्स. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेस पर एटम जो है उसे कोलैप्स हो जाना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए. और बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रिलीज नहीं करते और वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स रहते हैं लिहाजा वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे. अगर न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे तो जो है वो परसिस्ट करेंगे और मैटर जो है वो परसिस्ट करेंगे. उसके बाद जो है ये दोनों कंपैरिजन जो है वो हमने देखे और इन दोनों कंपैरिजन देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये ज़्यादा वैलिड है लिहाजा हम इसे बोहर एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स का शेल और सब शेल में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ मौजूद होना इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. अब जानते हैं कि यूनिवर्स की हर चीज़ में एक सिमेट्री है, एक तवाज़ुन है, एक अरेंजमेंट है. तो लाजमी बात है कि न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें भी एक अरेंजमेंट होगी, उनमें एक सीक्वेंस होगी. वो सीक्वेंस कैसे है वो हम जो है वो आज देखते हैं. इसे पढ़ने से पहले दो चीज़ें हमारे सामने जहन में मौजूद होनी चाहिए कि न्यूक्लियस के जो मेन एनर्जी लेवल है उन्हें हम शेल्स कहते हैं
और शेल जो है मुख्तलिफ टाइप के हैं, जो पहला शेल है उसे हम ए शेल कहते हैं, दूसरा एल शेल, तीसरा एम शेल और चौथा एन शेल। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके लिए हम फार्मूला एक डिराइव करते हैं, 2n स्केल वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, जहां n जो है वो शेल का नंबर है। हम इसे सॉल्व करते हैं, अगर पहला शेल है तो उसमें n की वैल्यू 1 का स्केल, 1 का स्केल 1 रेडिकल, दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि k शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद l शेल इसमें अगर हम l की वैल्यू देखें तो l की वैल्यू 2 आती है। फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू 2 × 2² × 2² 4 4 टू द 8। तो l शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह m शेल इस फार्मूले के मुताबिक 18 और n शेल में इस फार्मूले के तहत 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं। यहां ये एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है जो इसमें ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। किसी भी शेल मतलब l शेल में जो मैक्सिमम नंबर है 8 है, 8 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये शेल की बात हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद शेल में स्मॉलर यूनिट होते हैं जिन्हें हम सब शेल कहते हैं। देयर आर स्मॉलर यूनिट इन द शेल, दीज आर टर्म्ड एज सब शेल, दे आर आल्सो टर्म्ड एज ऑर्बिटर। देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटर, s, p, d, and f। Just like the shell, subshell, they also have specific capacity of the electrons. हर subshell की electron के लिए specific capacity है। इसे याद रखने का एक आसान सा तरीका ये है कि S subshell में 2 electron आ सकते हैं। S subshell can accommodate 2 electrons. P shell के लिए 2 में 4 add करते हैं, 2 + 4 = 6। तो P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो सकते हैं। उसके बाद D सबशेल 6 + 4, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो सकते हैं, और इसी तरह 10 में अगर 4 ऐड करें तो 14। F सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो सकते हैं। शेल की तरह सबशेल में भी ये 2, 6, 10 या 14, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी सबशेल के लिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद है। शेल में सबशेल में कंडीशन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इनसे कम भी हो सकती है। ये शेल से बात होगी। उसके बाद जो है वो इसके एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जिसमें सबसे पहले 1s पहला शेल। अच्छा, यहां पर हम देख लेते हैं कि k शेल में एक सबशेल, दूसरा शेल एल शेल इसमें 2 सबशेल, और तीसरा शेल एम शेल इसमें 3 सबशेल हैं, और इसी तरह चौथा एन शेल इसमें 4 सबशेल हैं। अब इन सबशेल की अरेंजमेंट क्या है, वो अरेंजमेंट हम इस टेबल के मुताबिक जो है वो याद रखते हैं। वो है पहले 1s, उसके बाद 2s, 2p, फिर 3s और 3। इसे हम आसानी के लिए जो है वो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 इस तरह भी याद रखते हैं, ss, ps and ps and so on। अब अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 बातें जो है वो ज़हन में रखनी है। नंबर 1, मैक्सिमम नंबर, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द एटम। नंबर 2, सीक्वेंस ऑफ द शेल एंड सबशेल, के इलेक्ट्रॉन पहले किस सबशेल में आएगा, उसके बाद किस सबशेल में जाएगा एंड सो। और तीसरी जो है बात, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन अ शेल, जिसका हम जो है वो यहां पर पहले हवाला दे चुके हैं कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 2n स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक है। तो हमारे पास सिलेबस में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं।
इन 18 एलिमेंट्स को जो है वो याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने अर्ली क्लासेस में नंबरिंग काउंट याद की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इसी तरह आपने अल्फाबेट याद किए थे ABC एंड सो ऑन, तो इसी तरह इन 18 एलिमेंट्स को भी स्टेप बाय स्टेप हमें याद करना होता है। इसे एक मरतबा सुन लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये मैं साथ साथ काउंट करता जा रहा हूँ। इसका फायदा यह है कि मुझे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पर है। दोबारा देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन मेरे पास 9वें नंबर पर है, इसका मतलब है कि फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 9। फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ये मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट हो गए। हम इन 10 एलिमेंट्स को जो है इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। पहला है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके एटॉमिक नंबर से जाहिर होता है। इसके लिए आप अपने दोबारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे ज़हन में लाएं। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के मुताबिक होती है। किसी सिंबल के साथ लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ हम जो नंबर लिखते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s में आ जाए, पहले s में आ जाए। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हीलियम है जिसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पहले s में आ जाएंगे। इसी तरह लिथियम, लिथियम, लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो जो है 3 है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 1s में और बाकी एक इलेक्ट्रॉन 2s में सेकंड s में आ जाएगा। अगर काउंट करें 2 + 1 = 3, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होगी। अब सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं उसी का दोबारा बेसिक रूल के तहत। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम हमारे पास 11th नंबर पर है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 होगी। अब 11 इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस के मुताबिक जो आसान तरीका है वो ये है कि पहले आप जो है ये ऑर्बिट्स लिख लें, 1s, 2s, 2p, 3s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे काउंट करें कितने हो गए, 2 + 2 = 4 + 6 = 10, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां। इसी तरह आर्गन, ये 18वें नंबर पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18, इसमें भी उसी तरह जो है वो करने पहले 6s के साथ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू कर दें, 1s 2, 2s 2, 2p 6, साथ साथ काउंट करते जाएं कितने हो गए, 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 6 = 18। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमने भी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट करने हैं। इसके साथ जो है वो अगर आप एक एग्जांपल देख लें, मसलन एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन Al13+3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 13 है। किसी एलिमेंट पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने से होता है। अगर इस पर +3 चार्ज है, इसका मतलब ये है एल्यूमिनियम हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 13 - 3 = 10, तो इसमें बाकी 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि हम यहाँ पर एकोमोडेट करते हैं। पहले सिंपली आप लिख लें 1s, 2s, 2p, 3s। अभी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लें, s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे s में 2 इलेक्ट्रॉन 4, और तीसरे शेल में p में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल करें 2 + 2 = 4 + 6 = 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हमारी यहीं तक मुकम्मल।
तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका कि हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उनकी अरेंजमेंट को शो करते हैं।